सो माई नेम इज सौरभ एंड यू वॉचिंग टी वी जी आर्मी यूट्यूब चैनल। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि BGMI क्यों बैन हुआ है, क्या रीजन है इसका, वाई, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द BGMI बैन इन इंडिया, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो 2 मिनट की होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो देख लेना पूरी एंड तक। वैसे तो मैं एक फ्री फायर का क्रिएटर हूँ, लेकिन मेरे को शोभा नहीं देता कि मैं ना इस बवासीर बगमी पे ना न्यूज दे रहा हूँ, पर कोई नहीं, देख लेना विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको अपकमिंग अपडेट्स आती रहे। तो गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में ऑनलाइन गेम को सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हम ऑनलाइन गेम को एक बिजनेस की तरह यूज कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कई सारे गेम्स बताए हैं जैसे कि BGMI और फ्री फायर। तो उसमें से कुछ पार्लियामेंट के मेंबरों ने बोला कि BGMI उन गेमों में से आता है जो कि बैन हो चुका है, यानी कि उन्होंने बोला है कि ये है तो पबजी, लेकिन ये चल रहा है BGMI के नाम से। और उन्होंने एक और बात जाहिर की है कि BGMI के खेलने की वजह से एक बंदे ने अपनी मम्मी का मर्डर कर दिया है। और ये सब मिलाकर एक कम्युनिटी में रिपोर्ट सबमिट की गई है, और इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक एग्जामिनेशन एजेंसी है। जहां तक मुझे पता चला है, इसमें सबसे बड़ा हाथ मिस्टर विजय साई रेड्डी का था, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर है। और पार्लियामेंट में इस बात को 1-2 हफ्ते हो गए थे, और जहां तक मेरे को लग रहा है इस बात को एक्सेप्ट भी किया गया है, तभी जाके BGMI बैन हुआ है यार। वैसे तो BGMI के नाम में इंडिया आ रहा है, लेकिन है ना ये इंडिया में ही बैन हो गया, क्योंकि इनको पता लिया कि ये पबजी एक तरह का, लेकिन इसका नाम चेंज किया गया है। और ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मर्डर केसेस, शायद से ये मेन रीजन हो सकता है कि इसको ना बैन किया गया। और जहां तक मेरे को लग रहा है BGMI के चांसेस 50-50 है कि वो अनबैन हो सकता है, क्योंकि अभी तक फ्री फायर भी अनबैन नहीं हुआ, और अगर BGMI भी अनबैन नहीं होता है तो फिर ये समझ लेना कि ये एंड है गेमिंग कम्युनिटी का, और इसके बाद से कोई भी गेमिंग कम्युनिटी ग्रो नहीं हो पाएगी इंडिया स्पोर्ट्स में। तो अगर पबजी अनबैन होता है तो ये प्ले स्टोर में शो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।